यूपी के बुलंदशहर में आदर्श चुनाव आचार संहिता की आड़ में एक फर्जी पुलिस अधिकारी ने व्यापारी से 70,000 रुपए ठग लिए और फरार हो गया। पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पीड़ित व्यापारी द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर दो संदिग्धों के स्केच जारी कर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। क्या हुआ आपके साथ? कैसे कैसे आपसे थैला छीन लिया? मैं नदी के पुल की तरफ से बूरा बाजार के चौराहे पर होता हुआ देवीपुरा साइड में जा रहा था, तो यही मतलब ये है कि बूरा बाजार के चौराहे पर भड़बूजे के बराबर में मुझे मतलब ये है कि मुड़ते हुए रोड के पीछे से एक आदमी ने और ये कहा कि हमारे सरजी बुला रहे हैं आपको और हम इतनी आवाज़ दे रहे हैं, आपने सुना नहीं? मैंने कहा जी ना सुना होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो सरजी बुला रहे हैं आपको। मैं उसके साथ पीछे हो गया तो वो दूसरे वो सज्जन खड़े थे, वो मुझसे बोले कि हम इतनी देर से आवाज़ दे रहे हैं आपको, आपने सुना नहीं और निकले चले जा रहे हो। मैंने कहा नहीं दिया मैंने ध्यान कि ऐसा है, मैं मतलब ये कि सादा वर्दी में और पुलिस वाला हूँ, अपने जेब में से वो निकाल के आईडी कार्ड और वो अपना ये कि फिर जेब में वापस रख के बोले कि हम जो है आपका बैग चेक करना चाहते हैं, मेरी ड्यूटी जो है आचार संहिता की वजह से ये वो हथियार वगैरह चेक करने में लगी हुई है, बैग में दिखाइए कि आपके बैग में कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। ये कह के मुझसे बैग लिया और उसे अपने ये कह खोल खाल के चेक करके इतने ही एक और आ गया दूसरा, उसका बैग चेक करा, उसमें चांटे भी मारे मेरे सामने, मैं डर गया और डर की वजह से उनसे कुछ कह नहीं पाया, वो बैग लेके मेरा और मैं बाइक पर सवार हो गया और फरार हो गया। अच्छा, बैग में कितने रुपए थे? बैग में पहले तो उस दिन तो आइडिया कोई था नहीं, तो उनको बताया था कि 60 और 1 के बीच में, क्योंकि हमारी जो कलेक्शन आती है वो 50 के 60 के लगभग ही आती है एक दिन की। फिर जब हमने बाद में वो अपने ये के हिसाब लगाया तो 45,000 के बैठी उस दिन की। कोपल नगर क्षेत्र में सब पुलिस बन के ठगी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज स्केच जारी किया है उन ठगी जो जिन्होंने ठगी की थी, तो क्या मामला था और किस तरह की कार्रवाई पुलिस उसमें कर रही है? विनोद कुमार गुप्ता शाम को सभी दुकानदारों से अपने पैसे वसूल करके ला रहे थे, कुछ लोगों ने इनको बताया कि मैं पुलिस वाला हूँ और ये कहकर इनसे पैसे ले लिए, वो फ्रॉड थे, वो पुलिस वाले नहीं थे। तो हमने फील्ड यूनिट की मदद से 2 SK जारी किए हैं और हमने नंबर भी जारी किए हैं कि जिनको भी इनके बारे में जानकारी मिले वो हमें सूचना दें, उनकी उनके नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। दूसरी, कौन लोग थे जिन्होंने ठगी की, किस लिबास में थे? ये सादे कपड़ों में थे और इनके पास किसी प्रकार का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था और ये फ्रॉड थे, ये इनको पुलिस से कुछ लेना देना नहीं और ये किसी भी सरकारी विभाग से नहीं थे।